हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ वंदना. कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, टुडे मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ. काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी बताइए. सो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कुछ टिप्स. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो. मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ अपनी वेट लॉस जर्नी एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. बहुत ईजी हैं जो कि मैं करती हूँ, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ. काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं. सो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी जिस भी शेप और साइज़ के हैं, चाहे मोटे हैं पतले हैं, बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज ये आप हैं. अगर आप पहले अपने आप को प्यार करेंगे तभी दूसरे लोग आपसे प्यार कर सकेंगे. तो पहले जैसी भी आपकी बॉडी है उसी बॉडी के साथ रहिए, खुश रहिए. ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप अपने आप को पसंद करना सीखिए, फिर आप दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है. एंड मैं थोड़ा सा फिट रहना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि जो गॉड ने हमें एक बॉडी दी है, मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुकी हूँ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, स्किन केयर सबकी चीज़ों में बात कर चुकी हूँ कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है. सो जो मोटापा होता है वो मैं इसीलिए नहीं अपने ऊपर आने देती बिकॉज मोटापे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी आती हैं एंड धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों का घर बन जाती है, ठीक है. सो बीमारी के बाद जब मोटापे से हमें ओबेसिटी होती है, हमें चलने में दिक्कत होती है, कितनी सारी परेशानी हमारे साथ आ जाती है एंड हम अपनी एज से फिर 10 गुना हम बड़े लगने शुरू हो जाते हैं. सो हमको वेट लॉस करने की ज़रूरत इसलिए ही है ताकि हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों का घर ना बने. अदरवाइज़ आपको अगर अपने मोटापे से कोई परेशानी नहीं है तो आपको पतले होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, जो प्रेगनेंट के बाद जो लेडीज़ हैं जिन्होंने अपना बच्चा पैदा करा है, पहले तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपने बेबी पैदा करा है. बेबी के बाद प्रॉब्लम बहुत आती है बॉडी में, बुरा हार्मोनल चेंज होता है, बॉडी शेप ख़राब हो जाती है. बट एक साल तक आप कुछ ना करिए, एक साल तक आप जैसी जिस भी शेप के हैं प्लीज़ आप उसी में रहिए. आप अपने बच्चे को देखिए, उसकी प्रॉपर केयर करिए. एक साल के बाद फिर आप कुछ जिम हो गया या आप डाइटिंग हो गई वो कर सकते हैं. बट एक साल के अंदर आप क्या ऐसा करें जिससे आप अपना वेट भी कम कर सकें एंड आप हेल्दी भी रह सकें. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो मैं आपको बताऊंगी आपके एक हफ्ते का डाइट प्लान, एक या दो हफ्ते आप उसे कर लीजिए. 15 दिन तक आप देखिए आपको फ़र्क लगता है या नहीं एंड आई एम श्योर आपको फ़र्क ज़रूर लगेगा एंड आप उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे कि मैंने आपको ये टिप्स बताई. तो गाइस, जो फर्स्ट आपको चीज करनी है अपनी जो लाइफ से, आपको शुगर की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी है. अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो धीरे धीरे करके कम करिए, बट आप बिल्कुल कट ऑफ करिए. शुगर हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बीमारी अलग से होती हैं एंड फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो शुगर पहले आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है. जैसे आप शुगर के कितने भी सब्सटीट्यूट हैं आप ले सकते हैं कुछ भी, बट आपको चीनी जो एक मात्रा जो चीनी की होती है वो बिल्कुल आपको कट ऑफ करनी है. तो शुगर के बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको चीनी की मात्रा बिल्कुल कम करनी है. लाइक आप अगर दूध में या आप चाय में चीनी लेते हैं सो पहले दिन आप जैसे लेते हैं उसी तरीके से लिए, धीरे 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 आप कम करेंगे. तो जब एंड दिन में आप पहले जितनी मात्रा में अगर शुगर लेंगे तो वो आपको फिर बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी. सो इस तरीके से आप अपना शुगर लेवल ठीक कर सकते हैं एंड शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है. सो बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की, आपको मॉर्निंग में क्या करना है. अगर मॉर्निंग में आप योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है, योगा आप कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए. योगा को अगर आप डेली रूटीन में ले आएंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, डिजीज़ फ्री हो जाएगी एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा. क्योंकि जो मोटापे से हमारी बॉडी बिल्कुल थक जाती है एंड हमें हर दिन सिर्फ थकावट ही महसूस होती है. सो योगा से ये चीज़ें कम हो जाएगी, ठीक है. फिर बात करेंगे हम मॉर्निंग में उठने के बाद जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, वो मैं आपको 4 ड्रिंक्स बता रही हूँ. आप 4 ड्रिंक्स में आपको जो पसंद आए आप वो ड्रिंक्स ले सकते हैं, ठीक है. सो सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम गर्म पानी तो हर कोई लेता है, गर्म पानी एंड ग्रीन टी तो हम लोग हर कोई लेता ही लेता है जिसको अगर वेट लॉस करना है, ठीक है. सेकंड थिंग हम लेंगे लेमन वाटर एंड हनी. हनी थोड़ी सी कम मात्रा में लीजिए, हनी एंड लेमन. तो इसको भी आप थोड़ा हल्के गर्म पानी में खाली पेट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा असर करता है. लेमन बहुत अच्छा फैट कटर होता है सो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है. हनी एंड लेमन का एक आप ले सकते हैं. सेकंड मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है लहसुन. यस, गार्लिक. गार्लिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस करने में एंड गार्लिक से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है. सो गार्लिक को किस तरीके से खाना है, गार्लिक छील करके आप इसके जो क्लोव्स हैं आपको 4 लेने हैं एंड आपको टुकड़ों में काट देना है लाइक दिस. ये मैंने इसको गार्लिक को टुकड़ों में काट लिया है. इसको आपको सीधे मुँह में डाल के गर्म पानी से घूट लेना है, चबाना नहीं है, सिर्फ घूटना है. गाइस अगर आपने ये कर लिया ना तो आप एक महीने में आपका वेट बहुत ही कम
कल बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये गार्लिक एंड गर्म पानी वाला, ठीक है। सो खाली पेट आपको इस तरीके से गार्लिक को लेना है हाथ में एंड इसको सिर्फ घूट लेना है। आपको जल्दी ही अगर अपना वेट लॉस करना है तो आप ये गार्लिक एंड ये गर्म पानी वाला जरूर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, डेली करना है, ठीक है। देखना आप अपना बेली फैट तुरंत ही आपका वैनिश हो जाएगा। सेकंड, मैं आप जो आपको बताने वाली हूँ ये वाली जो है ड्रिंक, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छी है। मींस प्रेगनेंसी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जिनको फैट है बॉडी में, जैसे मैंने क्या करा था, जब मैं, एक तो मेरा वेट ज़्यादा बढ़ा ही नहीं पहले, तो मैं जैसे 54 मेरा वेट था एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वो 64 तक ही गया था। बट उसके बाद जब मैंने बेबी करा था, नॉर्मल मेरी डिलीवरी हुई थी, बेबी जिस दिन पैदा ही हुआ था, तो मैं पानी, हम गर्म पानी लेते हैं, हम ठंडा पानी नहीं यूज़ करते हैं, बट गर्म पानी की जगह जो मेरी मदर इन लॉ थी उन्होंने मेरे को अजवाइन का पानी दिया है एंड मैं जब भी मेरे को प्यास लग रही थी मैं सिर्फ वो अजवाइन का ही पानी पी रही थी। एंड गाइस वही अजवाइन का पानी मैंने अप टू 4 and 5 months तक सिर्फ अजवाइन का ही पानी पिया है, बिकॉज़ गर्म पानी हम लेते हैं तो गर्म पानी में मैं अजवाइन डाल करके पी रही थी एंड उससे मेरा वेट कभी बढ़ा ही नहीं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी फैट कहाँ गया, तो वो मेरे पे कभी चढ़ा ही नहीं था, बिकॉज वो जो चीज़ मैं पी रही थी उससे बिल्कुल ही वो डाउन हो गया, ठीक है। सो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। सो आपके लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन हर किसी के घर में होता है, जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ किस तरीके से अजवाइन दिखता है। अजवाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारा जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो इम्प्योरिटीज़ या हार्मोन चैनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, सो ये अजवाइन काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्पफुल होता है। सो आपको करना क्या है, माना आपने 1 liter वाटर लिया, उसको आप पैन में डाल देना एंड आप 2 बड़े चम्मच अजवाइन उसमें डाल दीजिएगा एंड उसे बॉईल करना है, पानी को रिड्यूस करना है। तो 1 liter पानी जब बिल्कुल आधा हो जाएगा फिर आप उसे छान करके ग्लास में या बॉटल में भर लीजिए। अगर आप सुबह शाम पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खाली पेट आपको पीना है एंड रात को सोने से पहले। अगर आप 2 times नहीं पी सकते तो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर में आप ये वाला पानी ले सकते हैं। सो उससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा गाइस। मुझे भी अभी भी मैं ये वाला पानी पीती हूँ या अजवाइन में ऐसे भी खा लेती हूँ रात में सोने से पहले, क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो अजवाइन वाला पानी आप ज़रूर लीजिएगा अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी वाली फेज़ में हैं, ये आपका फैट बहुत जल्दी कट करेगा। सो हो गई हैं पूरी ड्रिंक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आपको यही ड्रिंक लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नॉर्मली हम इंडियन कैसा ब्रेकफास्ट खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वाला, कभी हम पराठे खाते हैं, कभी हम रोटी खाते हैं, सो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट हम करते हैं। सो हमें ये वाला जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है वो नहीं करना है। ब्रेकफास्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जिससे हमारा जो डेली रूटीन है, हम ऑफिस जाते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्ब्स ही वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने वर्क करने के लिए, ठीक है। सो पहले आप एक चार्ट बनाना है, लाइक मैंने की भी एक कॉपी रखी हुई है, मैं कॉपी में लिख देती हूँ कि अब मुझे क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, बिकॉज मेरा वेट ज़्यादा बढ़ता नहीं है। एक बार 2013 में बहुत ज़्यादा बढ़ा था, उस वक्त मैंने जिम करा था, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, बट उसके बाद से जब मैं इन चीज़ों को रूटीन में ले आई हूँ अपने, तो बिल्कुल ही फिर मेरा वेट डाउन हो गया। जंक फूड भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ये आपको पता ही होगा कि जंक फूड नहीं खाना है बिल्कुल, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका बताया नहीं, पर शुगर वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में होता है, लाइक बिस्किट हो गया, आप हो गया बिस्किट हो गया, वाइट राइस हो गए, गेहूं का आटा हो गया, इन सब में शुगर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है एंड यही हमको कट करनी है, ठीक है। आपको फाइबर बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जो कि रिच इन फाइबर हो गए, लाइक ओट्स हो गया, पोहा हो गया, आप चने खा लीजिए, आप स्प्राउट खा लीजिए, ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ऑमलेट खा सकते हैं, उबला हुआ, वो भी ऑमलेट नहीं, एग्स खा सकते हैं, ऑमलेट नहीं, बॉइल्ड एग, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। एंड आपको, आप ले सकते हैं ओट्स हो गया, पोहा हो गया, ये सारे गुड कॉम्प्लेक्शन ऑफ कार्ब्स होते हैं, आपकी बॉडी को पूरे दिन भर काफ़ी ज़्यादा पेट आपका फुल रखेंगे एंड पूरी बॉडी दिन भर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी एंड फिर आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा अगर आपका पेट भरा हुआ होगा तो, ठीक है। तो ये आपकी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। एक बार मैं आपको ब्रेकफास्ट रेसिपी बता देती हूँ, आप क्या क्या इसमें खा सकते हैं। रेसिपी मैं आपको एक दिन बता के दिखाऊंगी, अभी मैं आपको सिंपल्स बता रही हूँ
मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए। सो आप खा सकते हैं ओट्स, उसके साथ ले सकते हैं मिक्स नट्स जो हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गए, किशमिश हो गए, वो आप खा सकते हैं। सेकंड, आप मिक्स वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं कभी कभी, रोज नहीं खाना कभी, वो भी सिर्फ सॉटे करी हुई, सिंपल आपने ऑलिव ऑयल डाला, हल्का सा आपने सॉटे कर दिया, वो आप ले सकते हैं, या बॉइल्ड खा लेना, ठीक है। मल्टीग्रेन टोस्ट, टोस्ट खा सकते हैं, ब्राउन आप ब्रेड खा सकते हैं, बट आपको वाइट ब्रेड नहीं खानी, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। एग तो मैंने बता ही दिया है, पीस पोहा, अगर आप पोहा के साथ आप मटर भी डाल देंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा एंड गुड रहेगा आपकी बॉडी के लिए। और अगर आप हफ्ते में एक दिन बेसन चीला, सूजी चीला भी खा सकते हैं अपने टेस्ट के को बदलने के लिए, बट रोज़ नहीं खाना है, हफ्ते में एक दिन खाना है, ठीक है। सो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। आप अगर ये वाला ब्रेकफास्ट, आप जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको रोटी नहीं खानी है, ठीक है, रोटी हम दिन के उसमें करेंगे, ब्रेकफास्ट में आप रोटी स्किप कर दीजिए। सब्जी आप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ बॉइल या आप हल्का सा आप सॉटे करना है, रोटी नहीं खानी है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। आप पहले ड्रिंक्स लेनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, ओके। आप चलते हैं लंच की तरफ। सो ये तो हमने जो ब्रेकफास्ट में खाया है, ये कार्बोहाइड्रेट रिच था, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है। प्रोटीन खाना भी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। सो हम क्या करेंगे, जैसे आपका लंच का टाइम होता है, माना आपका लंच का टाइम है 2 बजे, नहीं 2:15 लगा लीजिए, 2:15 में आप लंच करते हैं, तो 2 बजे आपको एक बोल भर के आपको सैलेड खाना है। जब आप सैलेड खा लेंगे उसके बाद आपको खाना भी कम आप खा पाएंगे एंड आप फिट रहेंगे, ठीक है। तो सैलेड भी अपने डेली रूटीन में लाइए, सैलेड खाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग लंच के साथ सैलेड खाते हैं, वो वाली हैबिट आप छोड़ दीजिए। सैलेड आप एक बोल भर के 15 मिनट पहले अपने लंच से लीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। जब आप ये खा रहे हैं उसके बाद आपको खाना है प्रोटीन रिच, तो प्रोटीन हमने दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, सो दाल हमें खानी है एंड दाल के साथ आप एक चपाती ले सकते हैं। वो चपाती भी आपको वीट फ्लोर की नहीं खानी है, गेहूं की चपाती नहीं खानी, आप खाएंगे रागी, मिलेट, बाजरा, कुछ भी आप खा सकते हैं। रागी को हम लोग गढ़वाली में चूना भी बोलते हैं, आप चूने की रोटी खा सकते हैं, वो भी विदाउट घी। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहता है, आपको फिट रखेगा एंड आपके फैट जो होता है बॉडी में वो कम आने देगा। तो लंच में मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको लंच में आप क्या खा सकते हैं। आप दाल खा सकते हैं मिक्स वेजिटेबल के साथ, उसके साथ आप एक रोटी खा सकते हैं, ठीक है। आप सब्जियाँ भी खा सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं, पनीर भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एंड आपको फिट रखता है एंड ऊपर से आप थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। आप ग्रीन ग्राम खा सकते हैं, आप कोई भी दाल ले लीजिए आप वो खा सकते हैं, कर्ड के साथ आप आलू बैंगन की सब्जी ले लीजिए कभी कभार। दिन में हफ्ते का एक दिन बता दूँ कि आप अगले अगले दिन आपको क्या क्या खाना है, ठीक है। कर्ड खा लीजिए, आलू बैंगन खा लीजिए, पालक खा लीजिए, पालक छोले कुछ भी आप खा सकते हैं एक रोटी के साथ। आप पालक का सूप भी पी सकते हैं गाइस, जैसे हम दाल लेते हैं दाल से ज़्यादा हेल्दी पालक का सूप होता है। आपने अगर पालक बॉईल कर दिए, उसको फिर मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे, उसमें हल्का सा उसमें नमक डाल के, उसको भी आपको फ्राई नहीं करना है। बेसिकली हम जब पसंद करते हैं तो हम फ्राई कर लेते हैं, तो आपको फ्राई नहीं करना है, आपको सीधे वैसे ही उसको खाना है। एंड आप दिन में अगर आप एक एक ग्लास आप बटर मिल्क ले लेंगे, छाछ अगर ले लेंगे, तो छाछ से भी आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होता है। सो छाछ टेस्टी भी बहुत होती है, हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, ठीक है। सो ये आपकी लंच की लिस्ट हो गई एंड आपको साइड बाय साइड आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी खा सकते हैं, फिश भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड बहुत ही बढ़िया होता है। तो लंच के बाद शाम को चाय का टाइम होता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं शाम को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में एक बार आप ले सकते हैं कोई भी बेवरेज होगी आपको टेस्ट के लिए, बट याद रखिए उसमें शुगर नहीं लेना है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हम ये शाम की चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाते हैं ना, प्लीज़ उसको हैबिट को तोड़ दीजिए, अपनी हैबिट को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता है, क्योंकि उस समय हम खाते चले जाते हैं एंड मोटापा बढ़ जाता है, डाइजेशन का नहीं होता, क्योंकि शाम को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वर्क स्लो करता है। तो बेसिकली अगर आपको खाना है कुछ शाम को, तो कुछ सिंपल आप हल्का सा स्नैक्स ले सकते हैं, कोई भी आप वो काले चने होते हैं ना, उसमें प्याज डाल के, या आप उसमें ग्रीन चिलीज डाल करके एक सैलेड बना ले, वो आप ले सकते हैं। बट आपको ये नमकीन बिस्किट बिल्कुल कट ऑफ करना है, ये नहीं खाना है शाम को, ठीक है। तो शाम को आप मिल्क ले लीजिए थोड़ा सा, या आप कॉफ़ी ले लीजिए। मिल्क भी अगर आपको लेना है ना, तो आप उसमें हल्दी डाल के लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
एंड मिल्क चाय एंड कॉफ़ी में शुगर बिल्कुल लेस करना है, ठीक है। अगर आप शुगर के बिना नहीं रह पाते, शुगर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं, लाइक आप शुगर फ्री ले लीजिए, एक एक उसमें आता है, लाइट पाउडर भी बेस आता है, कैप्सूल्स भी आते हैं, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो शाम का भी हो गया, अब चलते हैं रात को। रात को भी क्या करना है, अगर आपको 8:15 में खाना खाना है तो 8 बजे आपको फिर से सैलेड खाना पड़ेगा। कैसा भी सैलेड आप खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलेड तो बहुत अच्छा होता है खाने में। सो अगर आप उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, अगर थोड़ी देर पहले सैलेड खा लेंगे, 15 मिनट बाद आप खाना खाएंगे, तो आपका पेट भर जाएगा एंड आप लेस कंज्यूम करेंगे एज़ कम्पेयर टू जैसे आप खाते हैं, ठीक है। एंड शाम को भी आप वही चीज़ें रिपीट कर सकते हैं, लाइक आपने दाल खा सकते हैं, दाल ही खानी है, आप सब्जी खा लो कोई भी, आप आलू मटर गोभी वगैरह जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है आप वो खा लीजिए। बट आपको फैट की मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस तेल में, अगर आप कोई भी तेल खाते हैं उसमें बहुत लेस आप ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए भी एंड आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि हम जो ये फैट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत एक कंपोनेंट बहुत अच्छा है एंड होना भी चाहिए उसमें, बट बिल्कुल लेस भी नहीं करना है आपको। कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन आपके खाने में होना चाहिए। अगर आप कोई भी डाइट लेते हैं तो डाइट मैंने आपको शुरू से आप बता रही हूँ, शुगर बिल्कुल कम करना है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स आपकी बॉडी में होनी चाहिए एंड उसी हिसाब से मैं डाइट प्लान्स भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। एंड लंच में मैंने बोल दिया आप पनीर ले लो, आप सॉटे पनीर खा सकते हैं, आप नॉर्मल बॉईल करके पनीर ले लो, बिल्कुल आप बहुत ही इजी होता है खाना। सो आप बाहर आते हैं डिनर की, सो डिनर में भी आप दाल खा सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल खा सकते हैं, पालक को नॉर्मली पालक की जो लीव्स होती हैं उसे थोड़ा देर बॉईल करके साइड में डाल दीजिए, वो खाने में भी बहुत अच्छा होता है। एंड अगर आपको हल्के से उसको सॉटे या फ्राई करना है तो आप ऑलिव ऑयल में यूज़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि फैट भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बट मैंने ये देखा है कि आपने शुरू से देखा होगा मैंने राइस नहीं बोला है, अगर आपको राइस खाने हैं वाइट राइस तो आप हफ्ते में एक बार राइस खा सकते हैं, बट नॉट डेली, राइट। सो गाइज यही था एक डाइट प्लान मैंने आपको बता दिया है कि ये मैंने फॉलो करा था जब मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, जिम मैंने नहीं करा था, अब मैं जिम बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं यही फॉलो करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। सो ये सब चीज़ें आपको आपका वेट लेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड आप जो मैं आपको बताया है ये आप अगर 15 डेज तक आप कर लेंगे तो देखिएगा बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट आएगा। एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मीन्स आपको नहीं समझ में आया कि आपको ये कैसे खाना है, तो मैं आंसर देने के लिए तैयार रहूँगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड ये मेरा प्लान था गाइस, मतलब मैं इस तरीके से खाती हूँ, मतलब कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए ना कि मतलब ये ऐसा बताया, ऐसा तो नहीं होता है, बिकॉज मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जिस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं बता रही हूँ। तो 2013 के टाइम पे व्हेन आई वाज सो हेल्दी एंड जो मेरे साथ बीएड कर रहे थे लोग उन्हें बताया कि हम लोग कितना जंक फूड खाते थे, हर दिन हम समोसे खाते थे, हर दिन हम चाउमिन खाते थे एंड इट वाज लाइक यू नो बॉडी में बढ़ता गया एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इतनी ज़्यादा मोटी हो गई। मैं एक ही बार तब मोटी हुई थी, उसके बाद फिर मैं कभी इतनी मोटी नहीं हुई। एंड गाइस वन मोर थिंग, मुझे ना थोड़ा सा मोटा या हेल्दी रहना ही पसंद है, मैं ज़्यादा जो स्किनी हो जाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लाइक आप देखना मैंने चीक्स मुझे थोड़े से फूले फूले ही अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी बीच में, सो मुझे खुद से पसंद नहीं आता। सो इसीलिए आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना चाहिए पहले कि आपको क्या पसंद है अपने में, आप वो देखिए। अगर आपको ज़्यादा मोटापा पसंद नहीं है तो फिर उसको कम कीजिए, ज़्यादा पतले हैं तो थोड़ा मोटे होने की कोशिश कीजिए। एंड बस यही है, सेल्फ केयर सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड भगवान ने आपको एक ही लाइफ दी है, एक ही बॉडी दी है, तो प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखिए एंड उसे बीमारियों के घर होने से बचाइए। सो गाइज यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड अगर आपको कोई रेसिपी जाननी है कि आप रेसिपी कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं वो रेसिपी भी आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू, स्टे फिट।